हमारी भाभी जी हैं नीतू राय दैट बिहारी का। वेलकम बैक टू माई चैनल यर वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है छठ पूजा का डे सेकेंड, आज है खरना एंड आज से जिसने भी मतलब फास्टिंग की होगी वो आज से फास्टिंग उनका स्टार्ट हो जाएगा एंड आज से कंटिन्यू 36 आवर्स की फास्टिंग होगी, लाइक निर्जला उपवास, पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं। सो ये फास्टिंग टोटल 36 आवर्स तक चलेगा एंड आज इवनिंग में बनेगा प्रसाद खीर एंड रोटी का, जो कि भगवान जी को भूख लगेगा एंड फिर उसके बाद हम सबको मिलेगा, जो कि इतना टेस्टी होता है जस्ट आई कैंट टेल यू। तो मैं सबको शेयर करने वाली हूँ आगे एंड अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो अभी इवनिंग हो चुकी, कुछ अभी 3:36 हो चुके हैं AM PM PM, 3:30 बज चुके हैं एंड इवनिंग में मतलब पूजा वगैरह होती है, तो अभी से प्रसाद वगैरह बनना स्टार्ट होगा तो मुझे हेल्प करना है उसमें जाके। तो सबसे पहले जाके खाना खाएंगे दबा के एंड उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि नहाने के बाद आप खाना वगैरह नहीं खा सकते हैं, ऐसा रूल है इसमें, नहाने के बाद खाना वगैरह नहीं खाना है। फिर अगर आप प्रसाद बनाने में बिजी हो जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं छूना है एक्सेप्ट दैट पूजा वाला सामग्री, इसलिए नहाते हैं एंड उसके बाद नहीं पहले खा के आते हैं उसके बाद नहाते। सो मैं अपना आउटफिट दिखा दूँगी मैंने क्या वेयर करना है आज के दिन। ओके, सो ये है मेरा आउटफिट, ये मेरे बैंगल्स निकाल के रखे हैं एंड ये है मेरा आज का आउटफिट, मस्टर्ड कलर की साड़ी विद ग्रीन कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज एंड बैंगल्स। मैंने खुद से अपना सेट बना के रख लिया, बैंगल्स कुछ और था, मैंने मिला जुला कुछ जुगाड़ ला के सेट बनाया है इसका। तो ये मेरा आज का आउटफिट होगा। अभी जस्ट अपने हेयर्स को डिटेंगल किए हैं कल के बाद, मतलब कल मैंने सुबह जो अपने हेयर्स डिटेंगल करके बांधा था उसके बाद मैंने अब भी इसको डिटेंगल किया, इतना मतलब ये हो गया था ये पूरा। बस बकवास बहुत कर ली, जाते हैं खाते हैं उसके बाद नहाते हैं और फिर मिलते हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं कुछ टाइम बाद, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से बंद करते हैं। ओके, डन विद नहाना धोना, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस साड़ी वेयर की है, फटाफट से रेडी होते हैं नीचे जाना, बहुत देर से आवाज़ आ रही है, सबको से आवाज़ दे, फटाफट रेडी होते हैं फिर चलते हैं नीचे। पीछे लटका जाए ये बोरे में, मजा आ जा रहे उनके पास ना, तो बिठा देते हैं अच्छा से।
तब हाँ वीडियो के बाद बाद अपन साउंड पीछे से कि कौन है मेरी ननद जी ये कौन है हम कोई नहीं है ये देख लो ना देवर जी मेरे ब्रदर इन लॉ है हाँ जी रास्ता को दे दीजिए स्वेटर पहन के रेडी है देखने वाला लोग भी बोले ये हमारी भाभी जी हैं नीतू राय दैट बिहारी कॉल बिहारी दास मधु भी दिखा दी तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज खरना है एंड आज प्रसाद बनेगा खीर और रोटी जो कि भोलेगा भगवान जी को एंड फिर उसके बाद जिसने फास्टिंग की हुई है वो सब लोग खाएंगे फिर हम लोग भी एज अ प्रसाद उसको ग्रहण करेंगे वो ग्रहण व्हाट अ लैंग्वेज हिंदी काफ़ी अच्छी है मेरी सो अभी चूल्हे पे खाना बनेगा गैस स्टोव पे खाना नहीं बनेगा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में गैस स्टोव पे भी बना लेते हैं बहुत लोग बट पहले से सब चूल्हे पे ही बनाते थे एंड अभी भी काफ़ी घर में चूल्हे पे ही प्रसाद वगैरह बनता है तो सबसे पहले चूल्हे की पूजा वगैरह होगी और उसके बाद ही ज़्यादा खाने का प्रिपरेशन वगैरह किया जाएगा सो चूल्हा का पूजा करना मैं भूल गई थी तो बाद में मुझे याद आया तो मैंने बाद में कर लिया था पूजा वगैरह सो दूध चढ़ा हुआ है एंड खीर वगैरह बनेगा तो यहाँ पे चीनी का खीर नहीं बनेगा शुगर यूज़ ना होगा इंस्टेड ऑफ शुगर यहाँ पे जैगरी यूज़ होगा गुड़ की खीर बनेगी एंड वही भोलेगा भगवान जी को तो यहाँ पे खीर एंड रोटी खरना के दिन यही बनता है और यही भोग में चढ़ता है और सभी आदमी उसको बड़े चाव से खाते हैं सो इस खीर में जो चावल यूज़ हुआ है वो खेत का ही चावल है मतलब हमारे ही खेत का धान जो हुआ था उसी को जो प्रोसेस वगैरह होता है वो सब कुछ करके फिर वो चावल की खीर बन रही है एंड रोटी जो है वो भी गेहूँ घर में सुखा के आपको इसकी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करनी है सब कुछ धो धा के सुखा के फिर उसको पिसवा के पहले तो घर में जाते पे ही उसको पीसा जाता था पर अभी बहुत लोग चक्की से पिसवा के ले आते हैं तो जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत चेंजेस हो चुके हैं अभी इस पूजा के रिचुअल्स को लेके पहले के मुकाबले अभी काफ़ी चेंजेस है पहले तो इसको घर में ही सुखा के गेहूँ वगैरह सुखा के धो के फिर जाते में पीस के जितना पॉसिबल हो सकता सारी चीज़ें घर में ही की जाती थी बट अभी इतना कुछ नहीं तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं तो लोग बाहर से पिसवा के ले आते हैं कुछ लोग पैकेट वाला यूज़ कर लेते हैं तो चेंज होता है परिवर्तन संसार का नियम है होना ही है तो मैं चूल्हे पे खाना बनाना नहीं जानती हूँ तो मेरी सिस्टर इन लॉ थी हम दोनों ने मतलब कर लिया था क्योंकि घर में सभी वुमेंस ने फास्टिंग की हुई थी मेरे जितने भी मदर इन लॉज है चाची वगैरह सब ने किया हुआ था इसलिए हम दोनों ही बचे हुए थे इसको प्रिपरेशन करनी थी फास्टिंग में तो नहीं हेल्प करवा सकते थे बट फिर मम्मी ने काफ़ी अच्छी हेल्प कर दी थी लाइक आटा वगैरह इतना ज़्यादा क्वांटिटी में था कि मतलब उसकी नीडिंग मेरे से हो ही नहीं पा रही थी तो मम्मी ने काफ़ी हेल्प कर दी थी उसमें एंड उन्होंने आटा वगैरह सब कुछ गूंथ के दे दिया था तो उसके बाद मधु जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ है हम दोनों ने मिलकर रोटी वगैरह बनाई थी तो चूल्हे पे रोटी बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी थी तो हम दोनों ने मिलके ही मतलब जितना पॉसिबल हो सका था उतनी प्रिपरेशन की थी खाने वगैरह की एंड अपना गीत वगैरह देखा जाए जिसने फास्टिंग की हुई है वो पीछे बैठ के आराम से गाना वगैरह गीत वगैरह चल रहा था एंड यहाँ पे मधु और मैं हम दोनों बैठ के पूरा खाना वगैरह का जो भी था वो सब देख रहे थे जितना हो सके उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी हेल्प की थी मेरी क्योंकि मैं चूल्हा पे इतना खाना वगैरह बनाना मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका एंड कोई था नहीं फिर उन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्प कर दी थी मेरी सो फाइनली सब कुछ बन चुका था एंड पूजा स्टार्टेड
ओके सो गाइस, खाना वाना सब बनाना हो गया, कुकिंग शुकिंग सब कुछ हो गई। अब बस थोड़ी देर पूजा होने वाली है एंड पूजा होने के बाद जिस जिस से फास्टिंग की है सबसे पहले वो लोग खाना खाएंगे। खाने में जो उन्होंने प्रसाद में चढ़ाया है लाइक जो खीर एंड रोटी जो प्रसाद में चढ़ाया है वो लोग बस वही खाएंगे, फिर पानी पी लेंगे एंड उसके बाद फिर से ये फास्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद ये फास्टिंग कंटिन्यू चलेगा ऑलमोस्ट फॉर 36 आवर्स एंड आफ्टर दैट दे विल ड्रिंक द वाटर एंड जो भी उनका प्रोसेस होगा वो सब कुछ। तो बिफोर खाना खाने के बाद वो लोग उनका फास्टिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा एंड कल पूरा दिन ये फास्ट रहेगा एंड परसों मॉर्निंग में जाके सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद फिर जाके फास्ट खत्म होगा एंड ये फेस्टिवल की एंडिंग होगी। टोटल 4 दिन का फेस्टिवल जो कि मैंने कहा था रिसेंटली, आज 2nd डे है, कल 3rd डे है एंड फिर 4th डे है। आज बहुत ज़्यादा काम है लाइक मैं खाना बना के अभी आई हूँ एंड फिर अभी पूजा वगैरह हो जाएगा। जब तक वो लोग पूजा करते हैं खाना वगैरह खाते हैं तब तक कोई भी बाहर का पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये रूल होता है। अगर वो खाना खा भी रहा है मतलब जहाँ रूल सबका अलग अलग रूल होता है पर जो हम लोग घर में फॉलो होता है उसके हिसाब से कि जो फेस्टिवल जो मतलब फास्टिंग कर रही है वो खाना वगैरह भी खा रही है तो रूम बंद करके खाना खाएगी। जब खाना वगैरह खाना हो जाएगा दरवाजा खुलेगी तभी कोई वहां पे जाएगा, उसके पहले अगर किसी ने उनका नाम भी ले लिया हल्का से उनको पुकार भी लिया तो फिर उनको खाना छोड़ना पड़ जाएगा वहीं पे एंड फिर पानी वगैरह पी के वो खाना वो नहीं खा सकती है। फिर ऐसा होता है सीन, रूल है ये बट अब पता नहीं हर जगह सर होता है कि नहीं। एंड छठ पूजा मतलब बहुत अलग अलग स्टेट्स में होता है लाइक यूपी में होता है, झारखंड में, बिहार में, कुछ कुछ नेपाल के एरियाज में भी होता है एंड उसको अलग अलग नाम से ही बोला जाता है। तो अपना अपना रूल है, अपना अपना करने का तरीका, अपने अपने रिचुअल्स है, पर होता बहुत जगह है। इनफैक्ट ये अब्रॉड भी होता है। तो पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है, शायद मैं कब से ऊपर बैठी हुई थी, अभी मैं बस जा रही हूँ नीचे, दिखाती हूँ क्या सीन चल रहा है नीचे। अभी जाके बस प्रणाम वगैरह करना है एंड फिर प्रसाद वगैरह खाना है, उसके बाद मुझे बैठना नहीं है। लिटरली मैं 1 से 2 घंटे का नैप लूंगी छोटा सा, फिर जाके जो चूल्हे पे प्रसाद बना था वो चूल्हा हमने पूरा क्लीन करना है, अभी उसकी मस्त पॉलिशिंग वगैरह नीपा पोती करनी है। फिर उसके बाद कल के लिए जो कल इवनिंग में हमने जाना है घाट पे गंगा जी, वहाँ के लिए हमको प्रसाद रेडी करना है। तो मॉर्निंग में 2 AM से ही वो सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठंड इतनी गंदी वाली है, आई जस्ट कांट टेल यू, बहुत बेकार ठंड है। रूम में हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा है, बाहर जाते से ही पूरी बॉडी एकदम कांपने लग जाती है, इतनी ठंड है। सो चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर वापस आते हैं, 2 घंटे का नैप लेते हैं और फिर से अपने मॉर्निंग के रूटीन में स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि ये व्लॉग कहाँ तक चल पाता है। अभी एज आई टोल्ड ठंड बहुत ज़्यादा है कंट्रोल के बाहर, क्योंकि भैया हम महाराष्ट्र वाले हैं, वहाँ पर ठंड पड़ती नहीं है, बिहार में बहुत ठंड पड़ती है। तो अपना शॉल लोड के रेडी है एंड चलते हैं अब नीचे प्रसाद खाने के लिए। सो लेट्स गो। सो गाइस, टायर्डनेस की लिमिट नहीं है, आई थिंक आई शुड एंड माय व्लॉग हियर एंड यहीं से नेक्स्ट व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।